सब्सक्राइब कीजिए साइबर लाइफ चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे और इंपोर्ट करेंगे स्कैनर लाइब्रेरी को, यानी स्कैनर क्लास को, और उसका ऑब्जेक्ट बना के हम उसको यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में आपको यूज़ करना बताया था, पर मैंने वो सेटिस्फाई वीडियो नहीं थी स्कैनर क्लास की, तो आज हम उसकी सेटिस्फाई वीडियो बनाने वाले हैं। जो हमारे न्यू यूज़र हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगी ये वीडियो, और जो हमारे पहले ओल्ड यूज़र हैं जिन्हें कि पता है हमने कैसे यूज़ किया था, तो उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो फ्रेंड, बने रहे सेवल एप चैनल के साथ, तो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, हम अपने प्रोजेक्ट को बना लेते हैं पहले, तो मैं प्रोजेक्ट को तैयार कर लेता हूँ पहले। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम जान लेते हैं कि स्कैनर को यूज़ कैसे करते हैं, यानी इनपुट कैसे लेते हैं यूज़र से। तो फ्रेंड, इनपुट लेने के लिए पहले हमको उसकी क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि जावा काफ़ी बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसने हमें मेथड्स और क्लास प्रोवाइड करा रखी है, जिन्हें कि हम आसानी से यूज़ करके उनका यूज़ कर सकते हैं काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से। तो फ्रेंड, उसको हम कैसे करते हैं वो देखिए। एक कमांड होती है, जो कि आप कमांड समझ लीजिए, फंक्शन समझ लीजिए, मेथड समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, चाहे कीवर्ड समझ लीजिए, तो होता है इम्पोर्ट java.util.Scanner। ठीक है फ्रेंड, तो यानी जावा से हम ले रहे हैं, ये हमारा पैकेज है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इम्पोर्ट का मतलब है क्या। जावा हमारी लैंग्वेज है, ये तो ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं यूटिल, यानी यूटिल हमारा पैकेज है और उसके अंदर स्कैनर क्लास है, जिसको कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर। तो फ्रेंड, ये एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, पर ये आज यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि और टॉपिक को सीखने के लिए हमें स्कैनर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम स्कैनर को पहले सीख रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम स्कैनर को एडवांस लेवल पर सीखेंगे, यूटिल की सारी लाइब्रेरी को हम सीखेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ यही जान लेते हैं कि देखिए, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक यूटिल नेम का एक पैकेज है, उसके अंदर जितनी भी क्लास है हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक इसका दूसरा मेथड होता है, वो क्या, हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे स्टार लगाए, तो इसका मतलब होता है जितनी भी यूटिल के अंदर क्लास है वो सारी इम्पोर्ट हो जाएगी। अब हमने स्कैनर लगाया था, स्कैनर का मतलब है कि स्कैनर क्लास इंपोर्ट होगी। ठीक है फ्रेंड, और अगर हम यूटिल लगाए तो उसकी सारी क्लास इंपोर्ट हो जाएगी। तो चाहे आप स्टार लगा सकते हैं, चाहे स्कैनर लगा सकते हैं। अगर आप इसकी सारी क्लास यूज़ करना चाहते हैं, या आप काफ़ी एडवांस यूज़र हैं, वैसे तो उस वीडियो को यही देख रहा होगा जो कि बिगनर्स यूज़र है, काफ़ी एडवांस यूज़र नहीं देख रहा होगा क्योंकि उसको ये सब बातें पता होगी। तो फिर भी मैं बता दूँ, जब आप एडवांस पे चले जाओगे तो उसमें जब आप यूटिल की काफ़ी सारी क्लास एक साथ यूज़ करोगे, तो आप यहाँ पे स्टार का यूज़ ज़रूर करोगे। तो अभी के लिए मैं इस पे स्टार रहने देता हूँ। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब देखिए, हमें क्लास को यूज़ करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया होगा शायद, वैसे तो नहीं बताया है ऑब्जेक्ट बनाना, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। देखिए, हम क्लास नेम से बनाते हैं ऑब्जेक्ट। अगर हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम सिंपल क्लास ए और ऑब्जेक्ट नाम ले लेंगे कुछ भी, और न्यू, और फिर इस कंस्ट्रक्टर का नाम, यानी इस कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्लास के नेम से ही एक ब्लॉक होता है जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऐसे बनता है। तो अभी हमें इस क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनाना नहीं, क्योंकि हमें तो स्कैनर क्लास का बनाना है, उसे यूज़ करना है, तो सिंपली हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो कैसे, अब देखिए, मैं सिंपली यहाँ पर टाइप करता हूँ स्कैनर। अब मैं ऑब्जेक्ट का नाम जो कि मैं देना चाहता हूँ, आई दे देता हूँ, और न्यू, न्यू से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू से हम कुछ भी यानी क्रिएट करते हैं, न्यू का मतलब होता है क्रिएट करना। उसके बाद हम दोबारा से इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कराते हैं, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास कर रखा है सिस्टम डॉट इन। ठीक है फ्रेंड, तो आप अभी सिर्फ यही समझ लीजिए कि एक क्लास है और ये इसका ऑब्जेक्ट नेम है और ये इसका कंस्ट्रक्टर है और उसके अंदर पैरामीटर पास कर रखा है सिस्टम डॉट इन। आपको इसका डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आगे आने वाली है, हम
स्कैनर को काफ़ी एडवांस तरीके से सीखेंगे। ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है ताकि आप इस वजह से दूसरे टॉपिक आसानी से सीख सके, इसलिए ये हम आपको पहले बता रहे हैं। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, काफ़ी सिंपल है। अब देखिए कैसे, हम पहले क्या काम करते थे, इंटीजर ए बराबर कोई कुछ भी वैल्यू दे देते थे, ठीक है। ये हमने वैल्यू दे दी, यानी इंटीजर ए बराबर 23 ये वैल्यू दे दी। अब आसान सी बात है, हमें इसके अंदर वैल्यू लेने के लिए यानी इनपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालना पड़ेगा। यानी हमने आई नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल लेते हैं आई, और एक मेथड और होता है जो कि नेक्स्ट होता है हमारा नेक्स्ट, और इसकी रैपर क्लास यूज़ करते हैं जो कि इंटीजर की रैपर क्लास होती है इंटीजर क्लास। अब मैंने आपको बताया था जितनी भी कीवर्ड्स की रैपर क्लास होती है वो उसका पहला कैरेक्टर बड़ा होता है, आपको पता ही है क्लास का पहला कैरेक्टर बड़ा ही होता है। तो आप सिंपली ये समझिए, देखिए इंटीजर ए बराबर हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे देते थे, तो अब आपको सिंपली क्या समझना है कि उस वैल्यू की जगह यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का नेम और नेक्स्ट इंटीजर रखना है। तो ये इनपुट लेने का एक स्ट्रक्चर है जो कि 3 लाइन का है, 1, 2 और 3, ठीक है फ्रेंड, 3 लाइन का स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें सिंपली इनपुट ले सकते हैं, वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिंपली मैं पहले आप यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर लेता हूँ अपना, एंटर द वैल्यू, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ नीचे, यहाँ पे कट पेस्ट। अब देखिए हमारा पहले ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी स्क्रीन पर लिखा आएगा एंटर द वैल्यू, उसके बाद ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जिसमें कि सिर्फ कर्सर ब्लिपिंग होगा और कुछ नहीं होगा। तो हमको वहाँ पे अपनी वैल्यू एंटर करनी है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है फ्रेंड, और इक्वल टू डाल देता हूँ फिर यहाँ पे। अब देखें हमने ये यहाँ पे रख लिया, अब मैं सिंपली क्या काम करता हूँ, एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ले लेता हूँ सिंपल, इसकी कॉपी करके, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ योर वैल्यू। अब देखें योर वैल्यू बराबर, अब हम यहाँ पे ए को प्रिंट करा देंगे। आपको पता ही है वेरिएबल को कैसे प्रिंट कराना है, आपको पता ही है, क्योंकि अब जो हम इनपुट लेंगे वो ए के अंदर चला जाएगा। तो हम सिंपली इसको अब कंपाइल और रन करते हैं, मैंने ये सेव कर लिया, अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ। तो ओपन जावा सी, किस नाम से था हमारा, बी नाम से, तो मैं इसको बी नाम से जावा, ये देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब उसकी क्लास थी कैपिटल ए नाम से, तो मैं जावा कैपिटल ए। तो सो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये आ चुका है, देखिए एंटर द वैल्यू और आगे जो हमने डाला था। अब ये देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिपिंग हो रहा है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे हमको अपनी वैल्यू देनी है, तो हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं कुछ भी। अब देखिए योर वैल्यू 43243, जो हमने वैल्यू दी थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गई, यानी वो इस वेरिएबल के अंदर सेव हो गई, ए वेरिएबल के अंदर। देखिए ये परमानेंटली सेव नहीं होती, यानी जब तक हमारा प्रोग्राम चला, यानी जब तक ये प्रोग्राम चला जब तक ही थी, ऐसा नहीं है अगली बार हम इसको प्रिंट करेंगे तो जो कि तो रहेगी। यानी जब प्रोग्राम क्लोज होता हो जाता है तो वेरिएबल रीसेट हो जाते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस इनपुट हम ऐसे लेते हैं, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि इनपुट लेने का सही तरीका कैसे होता है और इनको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड ये हमने पहली वीडियो में एक प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम में देखिए क्या था, हमने सेम एज यही किया जो हमने कर रखा है, और फिर इसमें इसका ऑब्जेक्ट वगैरह बनाया, ठीक है, इन नाम से हमने इसमें आई नाम से बनाया है और इसमें हमने इन नाम से बनाया है। क्योंकि इसमें एक डाउट आ रहा था कि यहाँ पे भी इन है और यहाँ पे भी इन है, तो ये दोनों सेम है, तो इसलिए इस डाउट को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे आई बनाया है, ठीक है फ्रेंड। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट हमने ये लिया, यानी हमारा मेन प्रिंट मेथड चला जिसने कि आउटपुट दिया हमें एंटर द फर्स्ट वैल्यू, और यहाँ पे इसने फर्स्ट वैल्यू ली जो कि ए के अंदर सेव हो गई, आपको पता ही है, आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा। और सेकंड जो कि हमने दिया यहाँ पे एंटर द सेकंड वैल्यू, और सेकंड वैल्यू बी के अंदर
यानी सेव हो गई होगी, और हमने c बराबर a प्लस b कर दिया और c को यहाँ प्रिंट करा दिया। देखिए a के अंदर जो वैल्यू गई होगी वो a के अंदर सेव है, b के अंदर जो वैल्यू गई होगी वो b के अंदर सेव है, और c के अंदर a प्लस b यानी जो इन्हें दोनों को जोड़कर वो c के अंदर सेव हो गया और c यानी वो यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, ये a नाम से है तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव पहले से ही था तो मैं दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। तो जावा सी ए डॉट जावा एंड मैं इसको फर्स्ट नाम से कर लेता हूँ क्योंकि इसकी क्लास फर्स्ट है। तो देखिए एंटर द फर्स्ट वैल्यू, अब यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू दे देंगे और सेकंड वैल्यू मांग रहा है, अब सेकंड वैल्यू दे देंगे। तो देखिए इसका रिजल्ट 35 आ चुका है जो कि सही है, और अब देख सकते होगे इसमें जो है इनपुट यहाँ से लिया गया है यहाँ की सामने से, और यहाँ इनपुट नीचे था। तो ये भी मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर रखा है, वो क्या है मैं बता देता हूँ आपको, आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए। फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वाले मेथड का मतलब क्या है। देखिए ln का मतलब होता है न्यू लाइन, अगर हम ln लगाते हैं तो ये कर्जर जो कि नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट होगा उसे नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज़ अगर हम इसको ln को हटा देते हैं, जो कि अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से दोबारा से इसको मैं कंपाइल और रन करता हूँ। देखिए बी को कंपाइल किया और रन किया, तो देखिए ये अब इनपुट यहाँ से ले रहा है, ये देखिए अब इनपुट यहाँ से ले रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ln लगाया था इसलिए। तो फ्रेंड अब आई होप ये आपको वीडियो समझ आ गई होगी पूरी तरह कि स्कैनर को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप न्यू यूज़र है तो आप हमारे ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं, इसमें आपको बेसिक टू एडवांस सारी वीडियोज़ मिलेगी, आपको इसमें जावा पूरी अच्छी तरह से सिखाया जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहे सेवल ऐप चैनल के साथ। बाय बाय।